हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस और फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस की कंपेरेटिव स्टडी करके एग्जांपल्स वगैरह और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम फाइलम एनेलिडा से शुरुआत करते हैं, फाइलम एनेलिडा डिस्कस करते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं फाइलम एनेलिडा की, फाइलम एनेलिडा। तो देखो, एनिलिडा टर्म कहाँ से आई है, फाइलम एनिलिडा का जो नाम है, टर्म एनिलिडा कहाँ से आई है? तो ये टर्म अराइज हुई है एनुलस से, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है, लिटल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखने में, अपियरेंस में ये जैसे छोटी छोटी रिंग से बने हुए ऑर्गेनिज्म दिख रहे थे, इसलिए एनुलस और एनिलिडा इनको नाम दे दिया गया। ये टर्म दी किसने? टर्म गिवन बाय ये टर्म दी थी टर्म एनिलिडा लेमार्क ने। एक साइंटिस्ट थे लेमार्क नाम के, उन्होंने दी थी टर्म एनिलिडा, क्लियर है। अब देखो, एनिलिडा या ये जो फाइलम के मेंबर्स हैं, ये अपीयरेंस में कैसे होते हैं? तो ये अपीयरेंस में इस तरह के होते हैं। देखो, जैसे इस तरह की अपीयरेंस होती है इनकी, छोटी छोटी रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। समझ गए? तो इसी अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसमें सेगमेंटेशन कैसी थी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। तो इसके एक एक सेगमेंट को मेटामर या फिर सोमाइट बोलते हैं, मेटामर या सोमाइट बोलते हैं, ठीक है, मेटामर्स, क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग यही पॉइंट बताएंगे कि इसके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, मेटामेरिक टाइप की सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसका पॉइंट और इसकी कैरेक्टर डिस्कस करने हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है नेचर में, ठीक है। और अगर कैरेक्टर डिस्कस करने हो, तो मैं बात करूंगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ यही वो पहला फाइलम है जिसके अंदर ट्रू सिलोम अपियर हुआ था। तो फर्स्ट ट्रू सिलोम, ठीक है, प्रेजेंट है इनके अंदर। कौन सा? साइजोसिलोम टाइप जो सिलोम है, जो ट्रू सिलोम है, वो पहला इसके अंदर ट्रू सिलोम आया था। ये वो पहला फाइलम है जिसमें ट्रू सिलोम अपीयर हुआ था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर मैं डिस्कस करूं, तो मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो सिलोम है वो हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर हो गया, डाइजेशन कैसी होती है? तो इसकी डाइजेशन नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्लियर है। और बॉडी प्लान कैसा है? तो बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ गए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और भी हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट के बाद। तो देखो, एनुलस लिटिल रिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए टर्म एनिलिडा ही लेमार्क ने दी थी। ऐसी अपीयरेंस होती है, सेगमेंटेड बॉडी है, यानी सेगमेंट बने होंगे। एक सेगमेंट को मेटामर कहा जाता है, सोमाइट कहा जाता है। तो देखो, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, समझ गए।
ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो मेटामर्स बने हुए हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। नेचर में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर्स है, एक्टो मीजो और एंडोडर्म प्रेजेंट है। इसकी वजह से यहाँ सिलोम बनता है, सिलोम बनता है वो भी साइजोसिलोम, ट्रू सिलोम है, पहला ऐसा फाइलम है जिसमें ट्रू सिलोम अपीयर हुआ था। और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कैरेक्टर अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो वो कैरेक्टर क्या होगा कि एनिलिडा के अंदर सर्कुलेशन कैसी होती है। सर्कुलेशन के लिए एनिलिडा को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर सर्कुलेशन होती है, क्लोज्ड टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप की यानी जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा हो, ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करूं तो वो होगा कि क्लोज टाइप सर्कुलेशन है और इसके अंदर आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो एब्सेंट है, आरबीसी नहीं होती। ठीक है, बट हेमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी के अंदर होता है नॉर्मली, यहाँ आरबीसी तो है नहीं, तो हेमोग्लोबिन कैसे प्रेजेंट होगा, तो हेमोग्लोबिन होगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, डिजोल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखो कैसा होगा, बात आती है सर्कुलेशन है क्लोज टाइप की, क्लोज टाइप सर्कुलेशन यानी ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो हो रहा होगा, आरबीसी एब्सेंट होती है ब्लड में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब आरबीसी एब्सेंट है, हीमोग्लोबिन कैसे प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हम नॉर्मली जानते हैं आरबीसी के अंदर होता है। तो देखो यहाँ हीमोग्लोबिन डिजोल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा के अंदर, और ऐसे हीमोग्लोबिन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है, इसे कहा जाता है इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, समझ गए। और कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि सिमिट्री इसकी होती है बाइलेटरल सिमिट्री। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे एनिलिडा फाइलम के। ठीक है, और भी कैरेक्टर्स हैं, वीडियो को यहाँ पॉज करो, ये इतने नोट डाउन करो। नेक्स्ट, अब इसको साफ करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, कई बार पॉइंट पूछे गए हैं सर्कुलेशन से, और कई बार यही पूछा गया है कि किस टाइप का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, समझ गए। तो अब देखो कुछ और स्पेशल पॉइंट जो बच गए हैं एनिलिडा फाइलम के। देखो एनिलिडा फाइलम में एक्सक्रीशन होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है नेफ्रीडिया नाम के एक स्पेशल स्ट्रक्चर से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर न्यूरल सिस्टम कैसा होगा, तो देखो इसका जो न्यूरल सिस्टम होता है वो ब्रेन रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड डबल होगी और वेंट्रल सरफेस पे होगी, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसकी न्यूरल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में बिहेव करते हैं, जो कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन कहलाता है इसका, तो ब्रेन रिंग प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए। इसकी जो बॉडी वॉल है वो किस तरह की है, तो इसकी बॉडी वॉल दो लेयर्स में प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग जो होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल, और जो
एक यहाँ मसल लेयर प्रेजेंट होती है, एक यहाँ मसल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्यूटिकल और मसल लेयर दोनों मिलकर के इसकी बॉडी वॉल बनाते हैं। तो बॉडी वॉल बनी है क्यूटिकल एंड मसल लेयर से। अब जो मसल लेयर है ना, वो थोड़ी सी स्पेशल है। किस बेसिस पे? कि मसल लेयर में दो तरह की मसल लेयर होती है, समझ रहे हो? दो तरह की कौन कौन सी? एक तो LML और एक CML, ठीक है। LML और CML का मतलब, CLM का मतलब क्या है? तो देखो, LML का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। और CML का मतलब है सर्कुलर, सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो तरह की मसल लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। इस मसल लेयर के साथ आउटर कवरिंग क्यूटिकल जुड़ती है, तब इसकी बॉडी वॉल बनती है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी वॉल है, समझ गए, समझ रहे हो? ये इसकी बॉडी वॉल है। तो ये एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। न्यूरल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ब्रेन रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी वेंट्रल साइड में डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड में डिफरेंस पता है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो देखो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरह के पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट बचे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम हर फाइलम के स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उनके एग्जांपल्स। तो देखो, जो अपने एनिलिडा फाइलम है वो डिफरेंशिएट होता है, या फिर वो डिवाइडेड होता है उनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखो कौन कौन से होते हैं। तो मैं पहले बात करूंगा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के टाइप। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के टाइप तीन टाइप में डिवाइड होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म भी तीन तरह से बताए गए हैं। तो देखो, पहला कि ऑर्गेनिज्म के पास पैरापोडिया, पैरापोडिया एंड सिटे दोनों होंगे, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ सिटे होंगे, या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सकर, ये होगा ऑर्गेनिज्म के पास। तो किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से टाइप के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? पैरापोडिया और सिटा, पैरापोडिया और सिटे, ये किस तरह की अपीयरेंस देते हैं और किन ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं? तो देखो, ये कोई भी एनिलिड है, और इसके पास पैरापोडिया सीटें किस तरह से दिखेंगे हमें जो इसके पास होते हैं? तो देखो, हर सेगमेंट पे इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें पैरापोडिया कहा जाएगा, और पैरापोडिया पे प्रेजेंट होंगे सीटें। ये पैरापोडिया है और पैरापोडिया पे प्रेजेंट होंगे सीटें। इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये लोकोमोशन करेगा, इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करेगा, क्लियर है, समझ गए? तो देखो, ये है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, ये है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, क्लियर है। तो देखो, पैरापोडिया और सिटे जैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स किन ऑर्गेनिज्म्स में होंगे? तो इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल है नेरीज, 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 नेरीज जैसे ऑर्गेनिज्म में पैरापोडिया और सिटे जैसे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे हमें, समझ रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट, सिटे टाइप के, सिर्फ सिटे किस तरह के ऑर्गेनिज्म्स में होंगे? तो देखो, ये किसी भी एनिलिड की बॉडी है, सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, मेटामर या सोमाइट बने हुए हैं, ठीक है। तो इस एनिलिड की बॉडी पे सिर्फ सीटें किस तरह से होंगे? तो देखो, ये सिर्फ सीटें हैं, ये सिर्फ सीटें हैं,
ये इसके पास ओनली ऑन सिटे प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ रहे हो? तो देखो और इनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करता है, समझ गए? तो देखो एग्जांपल, सिटे का एग्जांपल कि सिटे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होंगे, ये मिलेंगे हमें फर्टिमा या फिर अर्थवर्म में, फर्टिमा में, ठीक है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, लास्ट और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, एक सकर टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, इन एनिलिड्स के एक मेंबर में, वो कैसा होता है? तो देखो एक सकर टाइप का, जैसे हिंदी में चूसक बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है एनिलिड्स के पास जो सकिंग के काम आता है, सक करने के, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स सैंग्वीवोरस भी होते हैं, यानी ब्लड सकर, जैसे जो लीच होती है, लीच हिरुडिनेरिया, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स में सकर देखने को मिलता है। तो एग्जांपल है वही लीच, ठीक है। तो देखो ये है अलग अलग लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, पैरापोडिया और सिटे दोनों प्रेजेंट होंगे नेरीज में, ठीक है, नेरीज में पैरापोडिया और सिटे दोनों तरह के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होंगे, जबकि फर्टिमा जो अर्थवर्म है उसमें सिटे ही प्रेजेंट होंगे सिर्फ। और एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सकर बोलते हैं जैसे चूसक, ये प्रेजेंट होता है लीच के पास, क्लियर है, ये प्रेजेंट होता है लीच के पास। मैं हट जाता हूं और तुम लोग नोट डाउन करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लेना, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और स्पेशल पॉइंट्स। तो देखो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स थे, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स थे एनिलिड्स के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल कि किसके पास कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है। तो देखो अब जो स्पेशल पॉइंट बच गए वो डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा, और कौन सा लार्वा होता है यहां, यहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, लार्वा कौन सा होता है, लार्वा है ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है, ट्रोकोफोर लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, क्लियर है, समझ गए। अब ये थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, समझो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल फीचर थे फाइलम एनिलिडा के, यहां पर होते हैं एंड। तो देखो इसके स्पेशल फीचर्स में सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो बॉडी वॉल है वो इंपॉर्टेंट है, फिर ये सेगमेंटेड होता है, ट्रू सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ट्रू सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूं कि एक स्पेशल पॉइंट ये भी है कि फर्स्ट टाइम हार्ट एंड ब्लड अपीयर्स, फर्स्ट टाइम हार्ट एंड ब्लड अपीयर्स इन एनिलिड, इन एनिलिड्स, तो पहली बार हार्ट और ब्लड एनिलिड्स में देखने को मिले थे हमें, एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स में अपीयर हुए थे, समझ गए, क्लियर है। वैसे ये पॉइंट हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ भी चुके हैं। तो देखो आगे अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स की, ठीक है, एनिलिडा फाइलम के मेंबर्स की, यानी इसके एग्जांपल्स की, इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे नेरीज, नेरीज, ठीक है, नेरीज क्या होता है, नेरीज को हम लोग सैंडवर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सैंडवर्म,
क्लियर है। नाम है बस इसका सैंडवर्म। नेचर में या बाई हैबिटेट ये मराइन होता है, बाई हैबिटेट ये मराइन होता है, ठीक है। नेरिज जो है जिसके अंदर सीटे और पारापोडिया दोनों तरह के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, ये ऑर्गेनिज्म सैंडवर्म कहलाता है, मराइन है हैबिटेट के बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, बाय नेचर यूनिसेक्सुअल है। क्लियर है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ इसके अंदर इसका एक सेक्सुअल स्टेज आता है जहाँ ये सेक्सुअली एक्टिव होता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, इसका सेक्सुअल स्टेज कहलाता है हेटरोनेरिस, हेटरोनेरिस, इसके सेक्सुअल स्टेज को हेटरोनेरिस कहा जाता है, समझ गए। तो यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग प्रेजेंट होंगे, एक बॉडी में एक ही टाइप का सेक्स होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने देखा ही कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की, एक सेक्सुअल स्टेज आता है पर्टिकुलर जहां ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग हेट्रोनेरिस के नाम से जानते हैं, इसके सेक्सुअल स्टेज को हेट्रोनेरिस के नाम से जानते हैं, समझ गए, हो गया। चलो ये था नेरिस पहला एग्जाम्पल, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो देखो सेकंड जो एग्जांपल है वो है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया को नॉर्मली तुम लोग लीच या फिर जोंक के नाम से जानते हो, लीच या जोंक के नाम से जानते हो, समझ रहे हो। हिरुडिनेरिया लीच जो है वो सैंग्विवोरस होती है, सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस यानी ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग, क्योंकि इसके पास सकर है ना, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करें हम लोग, तो ये जो जैसे तुम लोग समझ सकते हो ब्लड सक करता है, ब्लड चूसा, चिपक जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे और ब्लड चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, ठीक है, ब्लड। तो देखो क्या होता है कि जैसे ये ब्लड सक करता है तो हमारा ब्लड ऐसा है कि अगर वो हमारी बॉडी से बाहर आएगा, हमारा ब्लड हमारी बॉडी से अगर बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि वो क्लोटिंग स्टार्ट कर देगा, उसमें क्लोट बनने लग जाएंगे। अब अगर क्लोटिंग होगी, ऐसा कोई मैकेनिज्म परफॉर्म होगा जिससे ब्लड क्लोट हो जाए, तो फिर ये इसकी तो डेथ हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर गया ब्लड और क्लोट हो गया, तो इसे इस क्लोटिंग को रोकना पड़ता है। क्लोटिंग को रोकने के लिए इसके पास स्पेशल एक केमिकल होता है हिरुडिन, हिरुडिन केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, हिरुडिन केमिकल प्रेजेंट है जो कि बाय नेचर एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, जो कोएगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड कोएगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड का थक्का नहीं बनने देता, एंटी कोएगुलेंट होता है हिरुडिन, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर अगर डिस्कस करें तो इसके पास बोटराइडल नाम का एक टिश्यू होता है, बोटराइडल टिश्यू, ठीक है, बोटराइडल टिश्यू प्रेजेंट है इसके पास। ये टिश्यू किस काम आता है, तो देखो बोटराइडल टिश्यू का फंक्शन, बोटराइडल टिश्यू का फंक्शन है ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, ठीक है, फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज, फैट को स्टोर करने के लिए इसके पास ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसे बोटराइडल टिश्यू बोला जाता है। क्लियर है, समझ गए। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एनिलिड है, बॉडी सेगमेंटेड होगी, ट्रू सेगमेंटेड होगी, तो सेगमेंट बने हुए होंगे इसके अंदर, और इसकी बॉडी टोटल 33 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, 33 सेगमेंट्स, 33 सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी के, 33 सेगमेंट में डिवाइड होती है इसकी बॉडी, हिरुडिनेरिया लीच या जोंक की बॉडी, समझ गए, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये तो था हिरुडिनेरिया, नेरीज हो गया, हिरुडिनेरिया हो गया, लीच हो गया। नेरीज में सीटे और पारापोडिया दोनों प्रेजेंट थे और हिरुडिनेरिया में सिर्फ सक्कर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल की। तो वो एग्जांपल अपना है थर्ड एग्जांपल है फर्टिमा किसे कहा जाता है या फर्टिमा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो फर्टिमा है अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में बाइसेक्सुअल होता है, यानी दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे, बट ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, कभी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, भले ही दोनों सेक्स एक ही बॉडी के अंदर क्यों ना प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी कैरेक्टर की, तो देखो अर्थवर्म जो है वो वर्मी कंपोस्ट फॉर्म करता है, ठीक है, वो वर्मी कंपोस्ट फॉर्म करता है, जो एक मेन्योर होती है, तो मैं कहूंगा मेन्योर फॉर्मेशन पर फॉर्म होती है, जिसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट होती है, ठीक। तो ये अपना लास्ट एग्जांपल था फर्टिमा, ठीक है, इस फाइलम का लास्ट एग्जांपल फर्टिमा है, अर्थवर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक और एनसीईआरटी से अलग एग्जांपल है, एनसीईआरटी ने तो यही तीन एग्जांपल डिस्कस किए हैं, एक और अलग एग्जांपल है, इसी फाइलम का मेंबर है एफ्रोडाइट हम लोग कहते हैं एफ्रोडाइट को कि ये समुद्री चूहा है, सी माउस बस जस्ट एक टर्म है, याद रख लेना, ठीक है। पूछा जाता है कई बार जैसे सी वॉलनेट, सी स्टिक, सी पेन, सी फर, ठीक है, सी एनिमोन, इस तरह से सी माउस एफ्रोडाइट है, तो ये एक अलग एग्जांपल है, समझ गए। चार एग्जांपल है एनिलिडा फाइलम के और यहां अपना एनिलिडा फाइलम होता है दी एंड, ठीक है। इस फाइलम में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट फाइलम कौन सा? अपना आर्थ्रोपोडा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का, मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम है, एक तरह से जहां क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, समझ गए। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।